गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर थ्री के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर थ्री का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने आगे मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया था और डिवीजन की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी और एक्सरसाइज थ्री कंप्लीट की हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ सिक्स डिजिट एंड सेवन डिजिट नंबर बाय टू डिजिट नंबर, यानी कि किसी भी सिक्स डिजिट और सेवन डिजिट के नंबर को हम टू डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? डिवाइड 825,476 बाय 72। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है कि किस तरह से हम इस बड़े नंबर को टू डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेंट को अंदर लिख देंगे और डिविजर को बाहर। अब हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट क्या है, 82। तो 72 इंटू टू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 72 वन ज़ा 72। तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 7 1। फिर 5 को हम नीचे उतारेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 105। फिर 105 को भी हम 72 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 72। फिर 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 7 3, फिर 33 और यहाँ पे 4 है, वो 4 को हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 334। फिर 72 4 ज़ा 288 होता है, तो यहाँ पे 72 4 ज़ा 288 आएगा। 4 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 माइनस 8 क्या आता है, 6। फिर यहाँ करेंगे 2, तो 2 माइनस 8 नहीं होगा तो 12 माइनस 8 तो 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 46। और 7 को नीचे उतारेंगे तो 467। और 72 6 ज़ा 432 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 432। तो 467 माइनस 432 क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 35। अब हम लास्ट जो 6 है उसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो 356। तो 72 4 ज़ा 288, तो 6 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। 16 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ पे करेंगे 14। 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 6। 3 फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 68। तो यहाँ पे क्वोशंट है 11,464 एंड रिमाइंडर है 68। अगर हम इसे चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे हम चेक कर लेंगे। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर यहाँ पे क्या है, 72। फिर क्वेश्चन क्या है, 11,464 और रिमाइंडर क्या है, 68। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8,25,408 प्लस 68। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइडेंट था वही आंसर आया। इसका मतलब है कि हमारा जो सम था यहाँ पे डिवीजन का वो सही है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 72 है, इसका मतलब है एक वंस की प्लेस होगी, एक टेंस की प्लेस होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, 0। 7 4 ज़ा 28, तो 8 इधर रखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे। 7 6 ज़ा 54, तो यहाँ पे 54 प्लस 6 7 ज़ा 42, तो 42 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 44। तो 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 को ले जाएंगे। 4 7 ज़ा 28 प्लस 4 यानी कि 32, तो 2 इधर रखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे। 7 1 ज़ा 7 और 3 तो 10 आ जाएगा, तो 10 का 0 इधर रखेंगे, 1 को इधर रखेंगे। 7 1 ज़ा 7 और प्लस 1 यानी कि 8। फिर ऐसे ही 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 12 इधर रखेंगे, 2 इधर और 1 को आगे ले जाएंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे दोनों का सम कर लेंगे, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 8 10, 0 इधर रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। 1 प्लस 9 प्लस 4 14, 4 इधर रखेंगे, 1 को आगे ले जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 2 5, 2 प्लस 0 2,
8 प्लस 0 8। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिवीज़न है वो सही या फिर गलत है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, डिवाइड 35,32,546 बाय 98। तो यहाँ पे हम इस डिवीज़न को कैसे करेंगे, तो पहले डिवाइडेड लिख देंगे, डिवीज़र लिख देंगे। अब 98 है तो यहाँ पे तो 35 है तो वो कम हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थ्री डिजिट ले लेंगे। तो 98 3 = 294, तो 3 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, 13 - 4 9, और यहाँ पे 4 करेंगे लेकिन 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 14 - 9 5, और यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या है, 59। 2 को नीचे रखेंगे तो 592। फिर 98 6 = 588, तो 2 - 8 नहीं होगा तो यहाँ पे 10 करेंगे, 12 - 8 4, यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 - 8 0 और 5 - 5 0, तो यहाँ पे आंसर 4 आया। तो 5 को हम नहीं चले जाएंगे, तो हमें पता है कि अगर हम 45 ही या 98 से कम है तो यहाँ पे ये डिवीज़न नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 रख देंगे, 98 से 0 = 0, तो 45 - 0 किया जाएगा 45, और यहाँ पे 4 को हम नीचे ले लेंगे तो 454 और 98 4 = 392 होता है, तो 4 - 2 किया जाएगा 2, और 5 - 9 नहीं होगा तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, 15 - 9 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 - 3 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 62, तो यहाँ पे 6 नीचे ले लेंगे यानी कि 626 हो जाएगा। 98 6 = 588, 6 - 8 नहीं होगा तो यहाँ पे 10 ऐड कर लेंगे, 16 - 8 8, फिर यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 - 8 नहीं होगा तो फिर 10 ऐड करेंगे यानी कि 11 - 8 3, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 - 5 0, तो यहाँ पे आंसर लास्ट में क्या आया, रिमाइंडर 38। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस नंबर से हम 98 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 36046, और रिमाइंडर क्या रहेगा, 38। तो अगर इसे चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डिवाइडेड मिलता है, तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे डिवीज़न क्या है, सही ही है। फिर नेक्स्ट है, डिवीज़न ऑफ 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि लार्ज नंबर को हमने 2 डिजिट की नंबर से तो डिवाइड कर लिया, अब 3 डिजिट नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह से हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या लेंगे, डिवाइडेंड लेंगे और डिवीज़र लेंगे, डिवीज़र हमारा क्या रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। अब हम 3 नंबर चेक करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 4 से होगा, तो 121 4 = 484, यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 28। फिर 28 और 3 को हम नीचे रखेंगे तो 283 हुआ, तो ये 121 2 = 242, फिर इसका रिमाइंडर आएगा 41, और 5 को नीचे रखेंगे तो 415 हुआ, तो 121 3 = 363, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 52 आया। फिर 4 नीचे रखेंगे तो 524 और 121 4 = 484, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 40 आया। तो इसका मतलब इस नंबर को 121 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 4234, एंड रिमाइंडर क्या आएगा, 40। अगर हमें चेक करना हो तो हम फिर से फॉर्मूले को यूज़ करके उसमें नंबर पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो डिवाइडेड से मैच होता है, तो इसका मतलब हमारा डिवीज़न है वो सही है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि 70,13,245 डिवाइडेड बाई 205, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, ये पहले 3 नंबर को ले लेंगे तो 205 3 = 615 आता है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 86। फिर 3 को नीचे रखेंगे तो 863, तो 205 4 = 820, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 43, और 2 को नीचे लेंगे 432 हुआ। फिर 205 2 = 410, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 22, और 4 को नीचे लेंगे तो 224 205 1 = 205, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हूँ, 195, और हमें 5 को हम नीचे लेंगे तो हमें पता है कि 195 है, इससे डिवाइड नहीं होगा,
वन करेंगे तो भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ज़ीरो लग देंगे, यानी कि 205 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो। तो 195 माइनस ज़ीरो क्या रहेगा, 195, यानी कि इसका क्वेश्चन क्या हुआ, 34,210, और रिमाइंडर क्या हुई, 195। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गलत है, यहाँ पे 95 आएगा। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को 205 से हम अगर डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन रहेगा 34,210 और रिमाइंडर रहेगा 195। और अगर हमें चेक करना है कि हमारा डिवीज़न सही है या फिर नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करके देख लेंगे। अगर हमारे फॉर्मूले में जो आंसर आता है वो डिवाइडेड हुआ है तो हमारा डिवीज़न क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लार्ज नंबर को 2 डिजिट और 3 डिजिट से हम डिवाइड कर सकते हैं।